हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिंगरी फ्राई, जो कि खाने में सबको बहुत अच्छा लगता है, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आज हम छोटी वाली चिंगरी बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ चिंगरी फ्राई। चिंगरी की रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है लगभग 300 ग्राम जितना चिंगरी लिए हैं। देखिए आप लोग, छोटे साइज का हम चिंगरी लिए हैं। और हमने लिया है 2 बड़े साइज के टमाटर, 1 मीडियम साइज का प्याज और 3 से 4 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल लिए हैं, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, 8 से 10 लहसुन के कलियाँ ऐसे काट लिए हैं, थोड़ा सा अदरक और 8 से 10 हम हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा सरसों। और मसालों में हमने लिया है जीरा पाउडर 1 छोटा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 छोटा टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 छोटा टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार नमक। अभी हम बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई गरम हो गया, अभी हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और सबसे पहले हम चिंगरी को फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया, अभी हम इसमें चिंगरी डाल देंगे। इसको थोड़ा टाइम फ्राई करेंगे। देखिए चिंगरी अच्छे से फ्राई हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अभी हम फ्राई करके निकाल लिए, अभी फिर से बनाना शुरू करेंगे मसाला। देखिए कढ़ाई गरम हो गया, अभी हम फिर से इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, अभी सरसों डाल देंगे। अभी हम लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक और अभी हरी मिर्च, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे, इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। देखिए प्याज फ्राई हो गया, अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अभी हम इसमें सूखे मसाला डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और धनिया और जीरा पाउडर, इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए और थोड़ा फ्राई होगा। देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है मसालों के साथ। अभी हम इसमें चिंगरी डाल देंगे जो फ्राई करके रखे थे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जैसे कि सब मसाला अच्छे से मिल जाए। देखिए चिंगरी अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए अच्छे से बन के पूरा रेडी हो गया
वो पानी भी वो सूख गया जो हम डाले थे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा धनिया का पत्ता डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अभी पूरा अच्छे से बन के रेडी हो गया। अभी गैस बंद कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए अभी सिंगरी को हम प्लेट में निकाल लिए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।